एडवांस सबसे पहले मिडल पार्ट, फ्रेंच रोल में एक ऐसा रहता है कि आपको फ्रंट पहले करना है। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आ रही है, चालू है। या पहले लो बैक में, बाद में फ्रंट करो, दोनों भी कर सकते हो। ये मैंने मिडल पार्ट किया, ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है, अलग कर देंगे दोनों साइड के ईयर टू ईयर सेक्शन। फिर जो मैं सिखा रही हूँ वो एडवांस वेरिएशन है, पहले ये सीख लो। आपको बेसिक नहीं आता है कोई बात नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मैंने पार्टीशन ईयर टू ईयर निकाल लिया है, मिडल पार्ट कर लिया है, अभी जो पीछे के बाल बचे हैं उसको वी पार्ट में डिवाइड करना है, वी शेप करना है। यहाँ से वी में यहाँ पे बाल रहेंगे मेरे नीचे, एकदम नीचे तक। देखो मैंने वी सेक्शन लिया है, आधा सेक्शन निकाला है, एक यहां से हुआ, सेम यहां से भी वी सेक्शन अलग किया मैंने। अभी ये जो बीच के बाल आए वी सेक्शन करने के बाद, उसको हम टाई कर लेंगे। इधर टाई करोगे, मिडल में पोनी बनानी है यहाँ पे। इतना समझ में आया सब लोगों को? देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी निकाला है बाल, दोनों साइड में रखने हैं आपको ऐसे ही, और यहाँ पे मिडल में पोनी बना के रबर बैंड डाल दो। वीडियो स्टॉप हुआ यहाँ पे, देखो मैंने अभी इसी वी से शेप निकाला, दोनों साइड से अच्छे से वी निकालना है आपको, हुआ। फिर यहाँ पे मिडल में ऊपर तक मैं चोटी लेके आ रही हूँ, यहाँ पे जो मिडल में अभी मेरे बाल बच रहे हैं उसको दिख रहा है नीता अभी? हाँ दिख रहा है। हाँ, इसको रबर बैंड करेंगे, बहुत नीचे रबर बैंड नहीं करनी आपको, मिडल तक लेके आनी है छोटी, यहाँ पे रबर बैंड कर देंगे। क्राउन सेक्शन में ये वी सेक्शन दिया ना मैम? हाँ, पफ पफ कुछ नहीं हाँ। इसमें नीचे के भी बाल आपने थोड़े से छोड़े हैं ना? हाँ थोड़ा सा, मतलब यू लिया है एग्जैक्ट, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का सा एक पार्ट रखा है। एक 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 पहले देख लो, फिर मैं बोलूं तभी स्टार्ट करो। यहाँ पे यहाँ तक हुआ, अभी इसका हम स्टफिंग क्रिएट करेंगे। स्टफिंग क्रिएट करने के लिए कैसे, आप बैक कॉमिंग करके भी आप ऐसे राउंड राउंड करो और छोटा सा एकदम पतला सा ऐसे फैला सकते हो, जैसे फ्रेंच रोल का लुक आता है वैसे। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो छोटे साइज का ये डोनेट जो भी रहेगा आपके पास, उसको आप ऐसे जैसे बन में हम टर्न करते हैं ना, वैसे ही इसको टर्न करो और इस पे लगा दो। लेकिन ये बहुत पतला होना चाहिए, मोटा रहेगा तो आपका फ्रेंच रोल पीछे से बहुत मोटा आएगा। इस टाइप का बहुत पतला हो तो अपने से दबता है। हाँ, तो वैसा ही चाहिए, पतला एकदम पतला साइज, और
और एकदम टाइटली होल्ड करके ऐसे करना। ये हुआ मेरा होल्ड, अभी सबसे पहले हाँ आड़ा खड़ा खड़ा होल्ड हुआ, अभी इसको हम पहले पिच करेंगे। बॉबी पिन कॉफी चलेगा ना इसके बदले? हाँ हाँ चलेगा, ऊपर तक ऐसे आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई मैम, अटक रही है क्या बीच बीच में? हाँ अभी तो पूरा स्टॉप ही अपनी तरह आपने नहीं देखा है। या स्टार्ट है मेरा चालू। तो बोल रही थी आपकी स्टार्ट अटक रहा है बीच बीच में, ऐसा लग रहा है क्या मैम? वीडियो स्टॉप हो गई आपकी? नहीं मेरे यहाँ तो नहीं हो रही है आपकी, कंटिन्यू चल, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है क्या? हाँ यहाँ पे फिर इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ पूरे बालों में, देखो ऐसे ये एक फ्रेंच रोल का लुक आ जाएगा आपका ऐसे। करेंगे हम इतना? हाँ करो, इतना कर रहे हो तो करो वरना मैं इसके सिखाओ। नहीं मैं करती हूँ, समझा मुझे ये क्या बोल, इसका अपना पफ भी चलेगा ना जो नॉर्मल पफ है? हाँ हाँ चलेगा वाला? चलेगा चलेगा, छोटा वाला ना? हाँ स्मॉल स्मॉल साइज, मिडल मिडल पार्टीशन, एयर टू एयर सेक्शन और बी सेक्शन। हाँ बी सेक्शन,